जी कौन सा वाला? डैनियल लाइट डबलो वाला, ड्यूटी फ्री वाला? ड्यूटी फ्री वाला कोटा वाला है ना? तस्वीर तो नहीं इस पे होगी डब्बे पे? वो आता है ना वो तस्वीर, सिगरेट ना पियो ये वो, इस तरह का पाकिस्तानी वाले पे तस्वीर आता है? नहीं ये बाहर वाले इंपोर्टेड है। कौन से पाकिस्तानी है और बाहर वाले? नहीं डैनियल कोटा वाला। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ऑपरेशन एक्सपोज और हम हैं टीम ऑपरेशन एक्सपोज। कराची सिंध का बड़ा शहर और इसकी सबसे बड़ी मार्केट है बोल्टन मार्केट। जी नाजरीन, कराची की बोल्टन मार्केट तारीखी और माशी लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। जितनी ज्यादा ये मार्केट कराची की माशी सरगर्मियों के एतबार से अहम है, इतनी ही ज्यादा इसमें स्मगलिंग की अशिया की छोटी छोटी मार्केट्स मौजूद हैं। जी नाजरीन, आप ठीक समझ रहे हैं, टीम ऑपरेशन एक्सपोज आपको दिखाने जा रही है बोल्टन मार्केट में स्मगलिंग की अशिया की सरेआम खरीदो फरोख्त। आज की इस एपिसोड में टीम ऑपरेशन एक्सपोज आपको दिखाएगी कराची बोल्टन मार्केट में स्मगल शुदा सिगरेट की सबसे बड़ी मार्केट। जी नाजरीन, सिगरेट नोशी जितनी ज्यादा सेहत के लिए खतरनाक है, इतनी ही इसकी स्मगलिंग मुल्की खजाना के लिए खतरनाक है। इस मार्केट में आपको बड़ी बड़ी शॉप्स स्मगलिंग की सिगरेट बेचते हुए आसानी से मिल जाएंगी। करोड़ों रुपयों की ये स्मगल शुदा सिगरेट रोजाना की बुनियाद पर यहाँ लाए और बेचे जाते हैं। वीडियोस में आप देख सकते हैं इस मार्केट में दुकानदार कितने पुरसकून और इत्मीनान से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। डैनियल फ्लाइट इतना तो अपने इलाके में हमें मिल रहा है, हमारे को मिल रहा है 2550 कंपनी के रेट पे, सिर्फ 10 पैर के पूरा मार्केट यही रेट है। हाँ ना, सब यही कह रहे हैं। ये 50 कंपनी का रेट 10 पे हमारे को जो फिर डैमेज आते हैं ये और इधर वो हमारे पेंशन सेम रेट है, दोनों का एक रेट दे रहे हैं कंपनी 2550। कोटा वाला है ना? तस्वीर तो नहीं इस पे होगी डब्बे पे? वो आता है ना वो तस्वीर, सिगरेट ना पियो ये वो, इस तरह का पाकिस्तानी वाले पे तस्वीर आता है? नहीं ये बाहर वाला इंपोर्टेड है। सादा वाला ना? बिल्कुल ये बाहर जैसा बाहर का डब्बा, अंदर वैसे जी सिगरेट का डब्बा। ज़्यादा लेंगे तो कुछ कम करो यार। बस कोई सिर्फ बचते वाश्मिक मजदूरी भी आ जाते तो हिसाब लगाओ, पॉइंट कोई भी नहीं बचते। मतलब बेंशन क्या रेट? सही रेट फाइन बगैर तस्वीर के, जिसके ऊपर फोटो नहीं होती वो वाला ज़्यादा सिंपल नहीं वो तो पाकिस्तानी हाँ तस्वीर वाला नहीं तस्वीर है जान में भी मिल रहा है मेरा मार्केट में टच कर लेते हैं। अच्छा मैं भी यही रेट। अच्छा डैनियल लाइट बेंसन फाइन फाइन ब्लू 800 कौन सा पाकिस्तानी है और बाहर वाला? नहीं डैनियल कोटा वाला। नहीं उस पर तस्वीर नहीं होती ना, वो बड़ा डब्बे के ऊपर पाकिस्तानी वाले पे तस्वीर आ जाती है। ये बाहर वाले हाँ, वो थोड़ा कस्टमर देख के अजीब सा शक्ल बना लेता है। बाहर वाला है जिस तरह ये उस तरह एकदम पैकेट है। अच्छा फाइनल बताओ ना इसका। इसके का फाइनल फाइनल होता है, इसका दूसरा बात नहीं होता। अच्छा टीम ऑपरेशन एक्सपोज को एक शॉप पर कम उम्र बच्चा भी नजर आया जो सिगरेट की खरीदो फरोख्त कर रहा था। इस बच्चे से बात करते हुए और खरीदारी करने से अंदाजा हुआ कि ये रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाला है। जी कौन सा वाला? डैनियल लाइट
डबलो वाला ड्यूटी फ्री वाला ड्यूटी फ्री वाला कौन सा पुराना वाला हाँ पुराना यार जिसमें तस्वीर नहीं हो वो दे जिसमें तस्वीर ना हो नहीं नहीं यार मैं तो कितने का हाँ नाजरीन एक बात जहन नशीन कर ले कि ये मार्केट अंदरूनी शहर में वाकया है। इस मार्केट के चंद मीटर्स पर खारादर पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। ये स्मगलिंग की मार्केट और यहाँ रोजाना की बुनियाद पर कारोबार का होना कराची कस्टम्स और पुलिस और स्मगलिंग को रोकने वाले अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाजरीन जब टीम ऑपरेशन एक्सपोज मार्केट को देखने गई तो हमें वहाँ कुछ पुलिस के एहलकार और पुलिस वैन भी नजर आई। हमारे जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर ये पुलिस वाले सिर्फ उन लोगों को पकड़ते हैं जो खरीदारी कर जा रहे होते हैं। स्मगल शुदा सिगरेट का इतनी बड़ी मकदार में इस मार्केट तक पहुंचना और यहां सरेआम बिकना कराची कस्टम्स पर सवालिया निशान है। या जैसा हम आपको अपनी पहली एपिसोड में बता चुके हैं कि कराची कस्टम्स सिर्फ वहां कार्रवाई करता है जहां से इनको रिश्वत की बारी रकूम नहीं मिलती। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आखिर में हमारी अपने नाजरीन से इल्तमास है कि अगर आपके स्मगलिंग के मुतल्लिक कोई मालूमात हो तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स करके जरूर आगाह करें। शुक्रिया।